हेलो दोस्तों, बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। आज स्टॉक में 1.5% से ज्यादा की एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 72.20 रुपए का स्टॉक हो चुका है। जहां बाजार हमारा गिरावट में रहा है, वहीं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अच्छी इन द सेंस की बाजार में बाजार के अपोजिट चलना थोड़ा सा ठीक माना जाता है, जहां बाजार में एक भारी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, जैसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। हालांकि वो गिरावट अभी नहीं आने वाली है, बट स्टिल भेल का अच्छा प्रदर्शन बताता है कि भेल यहाँ पर टिकने के लिए आया है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है या नहीं, खरीदारी करके कितना टारगेट लेकर के चलो, और भेल में अगर लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हो तो क्या पैसा बनेगा या नहीं। चलो शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें भेल की तो 72.20 रुपए का स्टॉक है। आज का जो चार्ट पैटर्न रहा है वो काफी ठीक ठाक रहा है। वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम में गजब का उछाल है। आज के दिन में 50-51 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम है और ये एक अच्छा वॉल्यूम माना जाएगा, ठीक है। अगर बात बाजार की करें तो बाजार में गैप डाउन ओपनिंग हुई और बाजार में जो मोमेंटम बना रहा वो थ्रू आउट द डे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का ही देखने को मिला है। मोस्टली एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर थोड़ी सी उछाल जरूर आई है, बट ग्रीन जोन में बंद होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अब तेजी के संकेत मिल रहे हैं, ठीक है। अब पूरा दिन हमारा जो बाजार रहा वो डाउन साइड पर रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही अपने डाउन साइड पर ही क्लोजिंग के आसपास ही आए हैं। जहां ओपनिंग हुई फ्लैट ओपनिंग यहां पर आप कह सकते हैं कि कल भी फ्लैट ओपनिंग हुई थी और आज भी बाजार में कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग ही हुई है। तो बाजार को लेकर के कोई बहुत अच्छे या बहुत बुरे संकेत नहीं है, बट भेल में अच्छे संकेत मिलते हैं। बात करें FII DII की तो FII बिकवाली पर है, तो DII यहां पर खरीदारी कर रहे हैं और यही एक बड़ा कारण है कि जो नंबर्स हैं वो थोड़े से छोटे हैं और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से बाजार फ्लैट परफॉर्म कर रहा है। बात करें भेल की तो भेल के जो नंबर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। डाउन साइड पर आपको 68 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर, और इस सपोर्ट को बरकरार रखना है आपको, सपोर्ट को बनाए रखना है। सपोर्ट काफी हेल्प करने वाला है आपको, ठीक है। इस समय पर अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो ये न्यूट्रलिटी में है, बट मेटल सेक्टर दोबारा से ट्रेंड में आ रहा है। जैसा आपने खबरें पढ़ी होंगी, और मेटल सेक्टर दोबारा से ट्रेंड में आ सकता है बहुत जल्द। RSI आप देखेंगे तो न्यूट्रल टू बुलिश जोन में आ चुका है हमारा। मैग्डी की बात करें तो हालांकि ये बेरिश टू न्यूट्रल जोन में है, बट स्टिल यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है आज के दिन के चार्ट की वजह से। डाउन साइड हमारे हिस्टोग्राम बन रहे हैं, दैट इज नेगेटिव, एंड यहाँ से थोड़ी सी गिरावट के संकेत जरूर है। तो ओवरऑल अगर आप चार्ट को पढ़ना सीखेंगे तो चार्ट हमारा कह रहा है कि न्यूट्रल टू बुलिश जोन हमारा यहाँ पर रह सकता है आने वाले दिनों में। बाजार को देखेंगे तो बाजार फ्लैट है इस समय पर। कॉन्फिडेंस है बाजार में, सेंटिमेंट्स काफी सुधरे हैं पहले से, बट वो कॉन्फिडेंस जो एक होता है ना कि यार अब बाय कर लो अब तो बढ़ता ही चला जाएगा, वो कहीं ना कहीं नहीं है। रीजन बीइंग कि यार पिछले दिनों RBI ने भी वार्निंग दी थी तो उसका भी असर कहीं ना कहीं यहाँ पर है। ओवरऑल भेल में खरीदारी करने की सलाह रहेगी मेरी। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना हो तभी एंट्री लेना, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी एंट्री मत लेना। अपर साइड पर 77 का आप यहाँ पर एक टारगेट लेकर के चल सकते हो। 77 ब्रेक होगा तो स्टॉक हमारे 84-86 तक भाग सकता है, ठीक है। तो ये दोनों टारगेट्स हमारे सामने, सपोर्ट और टारगेट्स के लिए ऊपर रखनी है नजर। खरीदारी करने की सलाह सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। वीडियो यही खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस। प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।